गुड़गांव के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जज पर अपनी पत्नी के कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस ने गीतांजलि मर्डर केस में पति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। गुड़गांव पुलिस ने गीतांजलि के भाई प्रदीप अग्रवाल की शिकायत के बाद सीजेएम रवनीत गर्ग पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, गीतांजलि के घर वालों को इस साजिश में पूरे ससुराल पर शक है। गीतांजलि के भाई ने सीजेएम रवनीत गर्ग के अलावा गीतांजलि की सास और ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। गीतांजलि के भाई ने रवनीत और उसके परिवार पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। एफआईआर के मुताबिक रवनीत गर्ग का परिवार शादी के बाद से ही दहेज की मांग किया करता था। इसके अलावा बेटा नहीं होने की वजह से भी गीतांजलि के पति नवनीत गर्ग से अनबन होती रहती थी। गीतांजलि के परिवार का दावा है कि गीतांजलि बहुत बहादुर लड़की थी और वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। 17 जुलाई को गीतांजलि की लाश पार्क में मिली थी। लाश के पास से ही पिस्तौल भी बरामद हुई। शुरुआत में खुदकुशी दिख रहा यह मामला तब संदिग्ध हो गया जब गीतांजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और 3 गोली लगने की बात सामने आई। बिजनौर में एक युवती को इलाके के दबंगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। 17 साल की इस लड़की पर गांव की पंचायत ने आरोप लगाया था कि इसने एक लड़की को भगाने में मदद की है। मेहमानों की टोली के जाने के बाद घर वाले लड़की को इलाज के लिए बिजनौर के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। मौत से पहले लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया। लड़की ने अपने बयान में गांव के ही 5 लोगों पर जलाने का आरोप लगाया। बाद में खौफ के साए के बीच बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मां बाप ने थाने में तहरीर दी। मुंबई बारिश से फिर बेहाल है। भारी बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ट्रांसपोर्ट के साथ ही लोकल पर भी असर पड़ा है। मलाड, गोरेगांव, बोरीवली, घाटकोपर, चेंबूर, बांद्रा, अंधेरी, परेल, दादर, कोलाबा में भारी बारिश हुई। बारिश का असर वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर भी पड़ा है। इस लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। 11 फिरोज शाह रोड में मीडिया से मुखातिब होंगे ठाकरे। बड़ा सवाल, क्या एनडीए में पीएम उम्मीदवारी पर अपनी पसंद बताएगी शिवसेना? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर शिवसेना ने चुप्पी साध रखी है। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान। आंध्र प्रदेश में मोदी की रैली में 5 रुपए के टिकट के सवाल पर विफले आजम ने पार की मर्यादा की हदें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी को कोई भी पद दे, लेकिन टीएमसी कभी मोदी को समर्थन नहीं करेगी। ममता ने मोदी के बहाने लेफ्ट और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 5 अगस्त से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 5 से 30 अगस्त तक चलेगा सत्र। 26 दिवसीय मॉनसून सत्र में महज 20 दिन होंगे कामकाज के। मॉनसून सत्र में पेश किए जा सकते हैं जमीन अधिग्रहण बिल समेत कई अहम विधेयक। आरजेडी ने छपरा त्रासदी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर मांगा इस्तीफा। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने की शिक्षा मंत्री पीके शाही को गिरफ्तार करने की मांग। गया के छपरा में मिड डे मील खाकर 23 बच्चों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने रमजान पर रखी जाने वाली इफ्तार पार्टी रद्द कर दी है। नीतीश ने ये पार्टी इसी महीने की 24 जुलाई को रखी थी। यूपी के रायबरेली में भी बच्चों को स्कूल में घटिया खाना परोसा जा रहा है। हर रोज गंदगी से भरी रसोई में खाना बनाया जाता है जिसे खाने को बच्चे मजबूर हैं। अजमेर के स्कूल में मिड डे मील की घटिया क्वालिटी से खफा बच्चों ने खाना खाने से किया इंकार। बच्चों का कहना था कि स्कूल के खाने की क्वालिटी बेहद ही घटिया है, ऐसे में वो इस खाने को जानवरों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। कोटा में पति के टॉर्चर से तंग आकर एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी पानी की टंकी पर जा चढ़ी। महिला करीब घंटे भर पानी की टंकी पर जमी रही और अपने पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड करने की मांग करती रही। महिला का आरोप था कि उसके पति का किसी और महिला से संबंध है। निराशा ने ली भारतीय सेना के एक मेजर जनरल की जान। मेजर जनरल आरपी सिंह ने दिल्ली के द्वारका में अपने फ्लैट पर किया सुसाइड।
पुलिस को मिला मेजर के घर से एक सुसाइड नोट में कहा गया है कि ट्रांसफर न मिलने की निराशा के कारण उन्होंने जिंदगी खत्म करने का रास्ता चुना। मेजर सिंह की पोस्टिंग पटना में थी और वो दिल्ली ट्रांसफर चाहते थे। सीमा पर आतंकियों की साजिश को विफल करते हुए सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि आतंकी का दूसरा साथी सेना के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। सेना के मुताबिक एलएसी के कुपवाड़ा में कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में लगे थे, जिनकी सेना के जवानों से मुठभेड़ हुई। गार्ड को थप्पड़ मार, मुश्किल में फंसे निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट। गार्ड की शिकायत पर गुजरात के निलंबित आईपीएस के खिलाफ केस दर्ज। पालतू कुत्ते को न उठाया तो भट्ट ने जड़ा चांदा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नर्सिंग छात्रा से गैंग रेप। ऑटो ड्राइवर समेत चार बदमाशों ने रेप के बाद छात्रा को जंगल में फेंका। पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने जख्मी हालत में मिली पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। बारी में बदलते हालात के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा को आज भी स्थगित रखा जाएगा। कश्मीर में बंद और कई इलाकों में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया। रामबन में चार प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद घाटी में तनाव जारी है। शुक्रवार को कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सुरक्षा बलों तथा प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर झड़पें भी हुई, इसमें 20 लोग घायल हुए। यूपी के हाथरस में डबल मर्डर से फैली सनसनी, बेखौफ बदमाशों ने अदालत के बाहर गोली मारकर दो वकीलों की हत्या कर दी। मेरठ में एक एनजीओ की मदद से एक घरेलू नौकरानी को रेस्क्यू कराया गया। झारखंड की रहने वाली इस नाबालिग लड़की को गैरकानूनी तरीके से घरेलू नौकरानी बनाकर रखा गया था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। पहली बार कोटा आने वाले छात्रों का डेटाबेस तैयार करेगी राजस्थान पुलिस। शहर की सुरक्षा में उठाए कदम, पुलिस को उम्मीद आपराधिक वारदातों को सुलझाने में मिलेगी मदद। रायगढ़ जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। पुलिस को नक्सलियों के इस इलाके में जमा होने की खबर मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन नक्सलियों को मार गिराया। यूपी के बाराबंकी में पुलिस के सामने भीड़ की हैवानियत सामने आई, जब भीड़ ने चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई की। आरोपी रहम की भीख मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वैज्ञानिकों ने ऐसे कृत्रिम हाथ बनाने में सफलता पाई है जिसे आईफोन की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि विकलांगों के लिए क्रांतिकारी मानी जा रही ये तकनीक थोड़ी महंगी है। कृत्रिम हाथ की कीमत 8 लाख रुपए और अंगूठे की कीमत 3 लाख रुपए रखी गई है। दिल्ली की एक बेटी को उत्तराखंड की आपदा में लापता मां की लौटने का इंतजार है। बेटी ने मां को 22 जून को News 24 पर सेना की रेस्क्यू टीम के साथ देखा था। गुड़गांव में उत्तराखंड की विनाश लीला में प्रभावित लोगों की मदद के लिए म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया गया। इस कंसर्ट में रवि शेरगिल के अलावा कई और गायकों ने शिरकत की। जिम्बाब्वे दौरे के लिए कप्तान विराट कोहली की हुंकार, कहा दौरे के लिए टीम इंडिया पूरी तरह फिट और मजबूत। जिम्बाब्वे दौरे के लिए धोनी के अलावा कुछ खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। विराट कोहली का कहना है कि खेल में डोपिंग पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रदीप सांगवान के डोपिंग कांड में दागदार होने के बाद विराट ने यह बात कही। क्रिकेटर मनोज तिवारी अपनी गर्लफ्रेंड और बंगाली बाला सुष्मिता राय के साथ विवाह के बंधन में बंधे। मनोज ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी। इस पार्टी में चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करने में एयर इंडिया पहले नंबर पर पहुंची। डीजीसीए की ताजा आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया ने अब तक सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए हैं। वहीं पैसेंजरों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में इंडिगो बनी नंबर 1 एयरलाइन। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मामूली बढ़त। विदेशी बाजार में 2 दिन की गिरावट के बाद रुपया 32 पैसे बढ़कर 59.35 रुपए प्रति डॉलर पहुंचा। जेट एयरवेज एतिहाद सौदे का मुसीबतों से पीछा नहीं छूट रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीवीसी ने इस सौदे में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद विमानन मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने दिल्ली और मुंबई सहित 13 सर्किल्स के लिए अपनी 3G सेवा सस्ती कर दी है। अब प्रीपेड ग्राहकों को 2G डेटा की कीमत में 3G डेटा का लाभ मिलेगा। अमेरिका की दिग्गज मोटर कंपनियों के शहर के तौर पर पहचान बनाने वाला डिट्रॉयट हुआ गरीब। डिट्रॉयट ने खुद को दिवालिया घोषित करने की मांग की है। शहर पर 18 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज।
फतेहाबाद के सुल्तानशाही इलाके में खुदाई के दौरान 18वीं सदी के 75 तोप के गोले बरामद हुए हैं। एक घर में नींव के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तभी तोप के इन गोलों का पता चला। प्रशासन ने तोप के इन गोलों को अपने कब्जे में ले लिया।